बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारे आज के मेजबान मेरे दोस्त मेरे भाई वजीर आला सरदार अली अमीन खान साहब, मेरे चेयरमैन मेरे जनरल सेक्रेटरी अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली उमर अयूब साहब, जितने मेम्बरान कौमी और सिबाही असेंबली स्टेक होल्डर स्टेट पे मौजूद है और खसूसन आप जो पंडाल में मौजूद हैं, मैं आपसे इस थोड़ी सी आपका थोड़ा सा वक्त लूंगा, चंद गुजारिशात हैं और वो गुजारिशात जरूरी हैं। याद रखिएगा, खान साहब का आज बयान आया है और खान साहब ने कहा है कि हमारा एहतजाज किसी इदारे के खिलाफ नहीं है, हमारा एहतजाज उसके अहदाफ बड़े वाजे हैं। हम आईन का तहफ्फुज़ चाहते हैं, हम जमहूरियत की बहाली चाहते हैं, हम मदलिया की आजादी चाहते हैं। सबावी में मौजूद इमरान के चाहने वालों, हाथ खड़े करके कहो क्या इन आदाब के साथ इत्तेफाक करते हो कि नहीं? हाथ उठा के कहो मुझे पता लगे इत्तेफाक करते हो या नहीं? क्या इन आदाब के लिए जब तुम्हारे कायद ने तुम्हारे लिए सेट किया है हर तरीके से खड़े हो गए या नहीं? हिम्मत करोगे या नहीं? हिम्मत करोगे या नहीं? इमरान के सिपाही हो या नहीं? साबित करोगे या नहीं? जहां खान आवाज देगा वहां पहुंचोगे या नहीं? क्या खान की हर बात प्यार आवाज पर लब्बैक कहोगे? तो फिर खान कहता है कि निकलो, बड़ी तादाद में निकलो, जब खान आवाज देगा निकलो, थोड़ी तादाद में मत निकलना। हर शख्स अपने घर से निकलेगा, मत मशवरे दो घरों में बैठ के, मत मशवरे दो अपने सोफों पे बैठ के, हमारे साथ शामिल हो, मैदान में शामिल हो, फील्ड में शामिल हो, जहां पे तुम्हें टियर गैस का सामना करना पड़ेगा, जहां पे तुम्हें रबर बुलेट्स का सामना करना पड़ेगा, जहां पे तुम्हें फसाइयत का सामना करना पड़ेगा। और जब तुम इन सब चीजों का सामना करोगे तो फिर खान की रिहाई मुमकिन होगी। तो मैं पूछता हूं और तुमसे पूछता हूं, किसी घर बैठे हुए से नहीं पूछता, इसलिए कि तुम हमारे साथ फील्ड में होगे, तुम कदम से कदम मिला के चलोगे, तुम्हारा वजीर आला तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारा चेयरमैन तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारा जनरल सेक्रेटरी तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे एमपीए तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारे एमएनए तुम्हारे साथ होंगे। जवाब दो, निकलोगे या नहीं निकलोगे? डरता है और याद रखना, हमारा है हक, हमारा है हक, हमारा हम लेके रहेंगे। और याद रखना, ये बहुत अहम है, आजकल एक मुनज्जम प्रोपेगेंडे के तहत पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर और उसकी क्यादत के अंदर फासला पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और जो लोग टीवी पे ये बोलते हैं, अखबारों में ये बयान करते हैं, अपने जलसों में ये बात करते हैं, अपनी कैबिनेट मीटिंग में ये बात पढ़ते हैं, उनके चेहरे पहचानो, ये इमरान खान के दुश्मन है, ये इमरान खान को जेल में डालने वाले हैं। इन्हीं की वजह से तुम्हारा और मेरा कायद आज भी अडियाला में बंद है, वो बेगुनाह है। और ये जाली केसेस हैं, ये वो लोग हैं जो तुम में, अली अमीन में, तुम में बैरिस्टर गौहर में, तुम में तुम्हारे एमएनए में, तुम में तुम्हारे एमपीए में एक फासला पैदा करना चाहते हैं। याद रखना, दुश्मन का ये मुनज्जम प्रोपेगेंडा है किसका? जवाब दो, किसका? ऊंचा बोलो, दुश्मन का किसका? ऊंचा बोलो, किसका? तो दुश्मन कहता है कि तुम्हारे और हम में फासला है। खुदा की कसम, तुम और हम, ये तुम्हारा वजीर आला, यहां खड़े एमएनएस, यहां खड़े एमपीएस, एक रिश्ते से बंधे हैं। और वो रिश्ता क्या है? वो रिश्ता क्या है? वो रिश्ता इमरान खान है। वो रिश्ता क्या है? क्या है? ऊंचा बोला, तुम्हारी आवाज पहुंचे अडियाला खान को पता लगे, वो रिश्ता क्या है? वो रिश्ता इमरान खान की इज्जत है, कोई तकसीम नहीं है। अबे शर्मो, बे हयाओ, इमरान खान के दुश्मनों, इमरान खान के मुखालिफों, सुन लो, कान खोल के सुन लो, यहां एक ही कायद है, उसका नाम इमरान खान है। कोई ग्रुप नहीं है, कोई तकसीम नहीं है, कोई कलेश नहीं है, हम सब उसी के साथ हैं, उसकी रिहाई के लिए जान देने को तैयार है। तैयार हो, उसकी रिहाई के लिए खून जहां बहेगा हम अपना खून बहा देंगे। क्या अपना खून देने को तैयार हो? क्या
अपने कायदीन की बात मानने को तैयार हो। ये जो लोग तुम में और तुम्हारे कायदीन में गलत फहमियां पैदा करते हैं, मैं समझता हूं कि वो तुम्हारे दुश्मन है। वो कौन है? वादा करो, हाथ खड़ा करो, वादा करो हाथ खड़ा करके कि किसी ऐसे बेहया बेशरम इमरान खान के दुश्मन, तहरीक इंसाफ के दुश्मन की बात ना सुनोगे। अगर वो अली अमीन के खिलाफ बोले तो तुम उनकी बकवास नहीं सुनोगे। अगर वो इमरान खान के खिलाफ बात करे, हाथ खड़ा करे, जो यहां खड़े हैं ऊपर भी, नहीं सुनोगे। क्यों नहीं सुनोगे? ये कैसे भाई हो तुम? कैसे रिश्ते से बंधे हो तुम? कोई नलायक और गधा कोई बात करता है और तुम अपने लीडर के ऊपर शक करने लगते हो। यही कायदीन है, यही लीडर है। इन्होंने और मोहब्बत के कोई इम्तिहान पास नहीं करने हैं। ये 9 मई पे खड़े रहे, ये 8 फरवरी को खड़े रहे। पंजाब में देखो, हमारे बच्चे उठाए गए, हमारे घर तबाह किए गए, हमारी फैक्ट्रियां बंद की गई, हमारे रोजगार बंद किए गए, हमारे MNA अगवा किए गए, उनकी बीवियां और बच्चे उठाए गए, उनके बच्चों को स्कूल से निकालना पड़ा, उनके कारोबार तबाह हो गए, उनकी सोशल जिंदगी तबाह हो गई। ये सब किस लिए? और फिर भी खड़े हैं किस लिए? किस लिए? इमरान खान के लिए। किस लिए? इमरान खान के लिए। और ये जज्बा कौन देता है? ये जज्बा कौन देता है? मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं। ये जज्बा कौन देता है? मैं समझता हूं, मैं यकीन करता हूं, और मुझे इस क़यादत ने कहा, ये जज्बा देते हो तुम, क्योंकि तुम हमारा फखर हो जो PTI के वर्कर हो। क्या हो? क्या हो? फखर हो तुम जो हमारे वर्कर हो, तुम हमारा फखर हो। तुम जो हमारे वर्कर हो, तुम हमारी इज्जत हो। तुम जो हमारे वर्कर हो, तुम हमारी ताकत हो। तुम जो हमारे वर्कर हो, तुम हमारा मान हो। जब हम असेंबली में बोलते हैं तो ये ताकत तुम्हारी दी हुई है, जब हम असेंबली में खड़े हैं तो ये इज्जत तुम्हारी दी हुई है, जब हम इन फस्ताइयों को डी चौक में ललकारते हैं, खुदा की कसम तुम्हारी कुर्बानियां याद आती है, जब हम क्या करते हैं पंजाब के किसी शहर में, तुम्हारी कुर्बानियां याद आती है। और हम ये समझते हैं, खुदा की कसम मैं चीफ मिनिस्टर से वादा लूंगा, चीफ मिनिस्टर साहब, चेयरमैन साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, आज इनसे वादा नहीं, आज आपसे वादा लूंगा। इनसे वादा कीजिए, हाथ खड़ा करके वादा कीजिए, वर्कर से आगे कुछ नहीं है, वर्कर से आगे कुछ नहीं है, वर्कर ही हमारी ताकत है, वर्कर ही हमारी इज्जत है। खुदा की कसम आपके साथ खड़े होंगे, हर जगह पे खड़े होंगे, हर चौक पे खड़े होंगे। मेरी आज की तकरीर का एक ही मकसद है कि गुमराह मत होना, दुश्मन की बात पे मत आना, अपने दरमियान फासला पैदा मत करना, अपनी सफों में नफाक पैदा मत करना। हमने इमरान खान को रिहा करवाना है। आज ये क़यादत लायमल देगी, ये कोई फाइनल कॉल की बात नहीं है, बहुत सी कॉलें दी जाएंगी, खुदा बेहतर जानता है कौन सी कॉल फाइनल कॉल होगी, मगर आपने खान के हुक्म पे तैयार रहना है। मैं भी वहीं होऊंगा, ये भी वहीं होंगे, भाई होंगे कि नहीं होंगे, हमारे बच्चे भी आप पे कुर्बान है। खुदा की कसम, आपने रूपोशियों में हमें वोट दिए हैं, हमारी गैर मौजूदगी में हमें इलेक्ट किया है, आप पे हमारे बच्चे भी कुर्बान है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि हर वो शख्स जिसकी गुफ्तगू से नफाक की बू आती है, जिसकी गुफ्तगू से तफरीक की खुशबू आती है, वो लानती है, वो तुम्हारा मेरा दुश्मन है, वो इमरान खान का दुश्मन है। और चलते चलते दोबारा वादा करो, अपने क़यादत पे आत्माद करते हो कि नहीं? और ऊंचा बोलो, पता लगे इन बेगैरतों को, करते हो कि नहीं आत्माद? ऊंचा हाथ बोलो, करते हो कि नहीं आत्माद? क्योंकि ये इमरान खान के चाहने वाले हैं, इन्होंने अपने बच्चे बर्बाद किए हैं इमरान खान के लिए, और हम आपके लिए हाजिर हैं। नारा मारते जाइए, सबका जिगरी सबका यार, सबका जिगरी सबका यार, सबका जिगरी सबका यार, सबका जिगरी सबका यार। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम, ये तुम में और तुम्हारी क़यादत में तफरका पैदा करने वालों पे खुदा की, तुम में और तुम्हारे लीडरों के दरमियान तफरीक पैदा करने वालों पे खुदा की, और जब तुम्हारे और हमारे दरमियान आए उस पे खुदा की, और जब तुम्हें और हमें अलग करने की कोशिश करे उसे तोड़ के रख दो। तुम्हारे और हमारे दरमियान ये रिश्ता किसी का बाप नहीं तोड़ सकता है,
जाओ इस जज्बे के साथ घर जाओ कि यही वो कायदीन है जो उस कायद की मोहब्बत में हर चीज कुर्बान की है, तुम्हारे कदमों में बैठे हैं वर्कर, तुम्हारे कदमों में बैठे हैं। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करे, पंजाब के वर्कर के लिए आसानियां पैदा करे, उनकी माओ बेटियों के लिए आसानियां पैदा करे, उसके किसान के लिए आसानियां पैदा करे। मेरा अल्लाह पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के लिए आसानियां पैदा करें।